जिला पश्चिमी चंपारण के बैरिया थाना अंतर्गत पखनाहा डुमरिया पंचायत के डुमरिया गांव में विगत 8 जून को रात्रि एक लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला में बैरिया थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर बैरिया माले कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च का संबोधन कर रहे जिला कमेटी के सचिव सुनील राव एवं सुरेंद्र चौधरी ने बैरिया थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने की मांग की गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि थानाध्यक्ष दलालों के साथ थाना का संचालन करते हैं, दलाल जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय पीड़िता के ही पापा तथा चाचा को उल्टा केस कर जेल भेज दिया गया है। जेल से उन्हें रिहा करने, बलात्कारियों का स्पीडी ट्रायल चला करके उन्हें आजीवन कारावास देने और थाना में दलालों का जमावड़ा बंद करने की मांग को लेकर के आज प्रतिवाद मार्च निकाल करके सभा किया गया। मित्रों, बिहार में भाजपा जदयू और नीतीश मोदी की सरकार चल रही है। इस सरकार में अधिकारी पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जनता के पक्ष सुनने के बजाय, पीड़ित के पक्ष सुनने के बजाय पीड़ित करने वालों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण पखनाहा डुमरिया पंचायत के बलात्कार पीड़िता की एक घटना है। 8 जून के रात्रि में उसके साथ बलात्कार होता है, पुलिस वहां जा करके वहां पीड़ितों को, पीड़ित जो बलात्कारी हैं उसको पकड़ कर लाती है और साथ में पीड़िता के पिता और चाचा को भी लाती है। पता नहीं किस दबाव में बैरिया थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने पीड़िता का, बलात्कार पीड़िता का आवेदन नहीं लिया, जबकि अखबारों में वो बयान देते हैं कि उन्होंने लिख करके नहीं दिया। तो मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि पुलिस के इस गुरु घंटाली के खिलाफ सरकार ने हर थाने में आवेदन लिखने वालों को बहाल किया है। जो व्यक्ति अपना आवेदन नहीं लिख सकता है, पुलिस की यह जवाबदेही बनती है कि उसका आवेदन लिख करके FIR दर्ज करे। लेकिन अमित कुमार ने पीड़ित पक्ष को हटा दिया और उसके पिता और चाचा को ही मारपीट के हल्का फुल्का जो मामला था उसमें उन्हें जेल भेज दिया। महिला, आपको महिला थाना भी गई, महिलाओं के नाम पर चलने वाले थाना में भी वही स्थिति रहा। यह कह करके उसे लौटा दिया गया कि यह बैरिया थाना का मामला है, आप बैरिया थाने में जाइए। पीड़िता के परिजन आपको SP कार्यालय तक पहुंचे, SP के अनुपस्थिति में आपको SP कार्यालय में वे आवेदन दे करके वापस चले आए। इसके बाद भी FIR नहीं किया जाता है, तब गांव के लोग गोलबंद होकर के आपको थाने का घेराव करते हैं, रोड जाम करते हैं, तब बड़े पुलिस पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद FIR किया जा रहा है। मित्रों, जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, लेकिन नीतीश राज में अब जंगल राज का भी कानून नहीं रह गया है। यहाँ अधिकारियों पदाधिकारियों के पॉकेट को गर्म करने वाले लोग चाहिए। बतलाते हैं थाने में बैठने वाले जो दलाल हैं, उन दलाल के माध्यम से रमेश पटेल का नाम आ रहा है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी मोटा राशि लेकर के बलात्कार पीड़िता के पक्ष में FIR दर्ज नहीं किए। हमारी मांग है, पुलिस हाय 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 हाय, हमारी मांग है कि सरकार, आरक्षी अधीक्षक अगर महिला है और महिलाओं के प्रति थोड़ी भी संवेदना है और कानून के प्रति भी अगर कोई लगाव है, तो सबसे पहले बैरिया थानाध्यक्ष अमित कुमार को बर्खास्त करके उन्हें जेल दें। दूसरी हमारी मांग है कि आपको जो पीड़िता है उसके जो बलात्कारी है उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ ही SPD ट्रायल कराया जाए, तुरंत चार्जशीट दायर कर SPD
ट्रायल चला करके उन्हें आजीवन कारावास दिया जाए, और पीड़िता के पिता और उनके चाचा को जो निर्दोष हैं उन्हें जेल दे दिया गया है, उस केस को वापस करके उन्हें रिहा किया जाए, बिना शर्त रिहा किया जाए। अगर यह नहीं होता है तो भाकपा माले अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के थाना प्रभारी के बर्खास्तगी होने तक के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। मित्रों, इसमें दलालों के तरफ से इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड बनाने का बात किया जा रहा है। हम दलालों को चेतावनी देना चाहते हैं कि भाकपा माले एक ऐसी पार्टी है जिसमें ऊंची और नीची जातियों का कोई माने मतलब नहीं रहता है, और भाकपा माले के बारे में जो धारणा है, जो बुर्जुआ पार्टियां कहती हैं, यह गरीबों दलितों की पार्टी है, हरिजनों मुसहरों की पार्टी है, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। इसलिए बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाले वो वापस चले जाएं, हम कहना चाहते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जिसके ऊपर जवाबदेही है, थाना के ऊपर जवाबदेही है, अधिकारियों के ऊपर जवाबदेही है, वो लोग बलात्कारियों के पक्ष में डर जाते हैं। तो वक्त की यह मांग है, जनता का यह सवाल है कि महिला पुलिस अधीक्षक होते हुए भी आज महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है और उस पर FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो थाना अध्यक्ष किस तरह यहाँ जमे हुए हैं, उनकी बर्खास्तगी तत्काल किया जाए। दूसरी तरफ हम यह बताना चाहेंगे, यह थाना में यह बलात्कार की घटना का मामला नहीं है, बल्कि थाना के अगर CCTV फुटेज को अगर देखा जाए तो जितना ही जनता दरबार लगते हैं उसमें FIR पहले ले लिया जाता है, और जनता दरबार के दिन बुला करके दोनों पक्ष से पैसे लेकर के कह दिया जाता है कि आप लोग बैठ करके पंचायती कर लीजिए। यह घटना आम बात बन गई है। थानाध्यक्ष के आने के साथ दलालों के आपको मनोबल बढ़े हुए हैं, शराब जो बेचते हैं उनके मनोबल बढ़े हुए हैं। हर जगह थाना के सामने दुकानों में भी शराब चलता है, इसका गांव में जवार में पूरा चर्चा है, लेकिन थाना को इसकी चर्चा नहीं है, उसको जानकारी नहीं होता है। तो हम कहना चाहते हैं यह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, मारपीट की एक घटना हो जाती है जिसमें जान मारने का नियत का कोई सवाल भी नहीं रहता है, उसमें 307 लगा दिया जाता है। जिस घटना में जान जाने की स्थिति रहती है उसमें 307 नहीं लगाया जाता है। यह स्थिति है यहाँ कमाने का, और इस आंदोलन को दबाने के लिए चारों तरफ से जाल फेंका जा रहा है, कहा जा रहा है जातीय भेदभाव लाया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है, बाद में मुकदमा कर धमकी दिया जा रहा है। लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह आंदोलन तमाम दबावों के बाद, तमाम धमकियों के बाद यह रुकने नहीं जा रहा है, और नीतीश सरकार और बेतिया पुलिस अधीक्षक जब तक अमित कुमार की बर्खास्तगी नहीं करती है यह आंदोलन जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हम लोगों के बीच हो गए तो यही है।